बहुत अच्छा लगता है सिद्धार्थ सर इतने पॉजिटिव है. जब भी आते हैं तो हम ही नहीं पूरा सेट ही बहुत पॉजिटिव हो जाता है एंड वो बहुत अच्छी बात है. हमेशा अच्छा लगता है हमें. सो सर आज होली के दिन आए हैं, आप बताइए सर कैसा कर रहे हैं हम काम, आपको कैसा लग रहा है? नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कम होता है कि एक परिवार की तरह आप काम करो. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जितने पूरी टीम अगर एक साथ मिल के एक पर्पज़ के साथ काम करे तो काम अच्छा होता है. और हमेशा मैंने ये देखा है कि शुरुआत तो हमेशा अच्छी होती है पर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं नौ. पर राधा कृष्ण में जब भी मैं आता हूँ ये सारे लोग हम लोग इतना काफ़ी मस्ती करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि नहीं अभी भी एक फ्रेशनेस है, एक पॉजिटिविटी है और कहीं ना कहीं वही चीज़ स्क्रीन पे व्यूअर को दिखती है और वही चीज़ लोगों को अच्छी लगती है. सो आई थिंक तुम लोग ही हो जो काम कर रहे हो, पूरी टीम है जो सब साथ मिल के काम कर रहे हैं तो तभी हम आगे बढ़ रहे हैं. जी ऐसे अभी मैं इनको कह ही रहा था कि वो लटमार होली का सीक्वेंस आने वाला है. शुरुआत में जब हमने राधा कृष्ण पे काम करना स्टार्ट किया था मैंने, तब उसी समय हमने स्टार्टिंग के एपिसोड्स में अगर किसी ने देखा है तो हमने वो सीक्वेंस रखा था कि राधा कृष्ण को मारने जाती है पर वो रुक जाती है. वो कहीं ना कहीं लटमार होली से ही जुड़ा हुआ था जो अभी हम राधा कृष्ण में दिखाएंगे. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप काम करने के लिए निकलते हैं पर बहुत जब आप कुछ करना चाहते हैं और वो वैसा बन जाता है तो वो जो फीलिंग आती है उसमें मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता. इट्स नॉट समथिंग दैट, क्योंकि हम ऐसे फील्ड में है कि अपना काम हम करते हैं और फिर आप सबके रिएक्शंस के लिए वेट करते हैं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं. हम अपने दिल से बनाते हैं. तो राधा कृष्ण जब लोगों को बहुत अच्छा लगा तो मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि ऐसी एक कहानी कहने का मौका मिला. आई थिंक ओवरऑल एक ऐसी टीम मिली जो दिन रात 6 दिन है हफ्ते के, पर आप बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सारे एस्पेक्ट्स मुझे मालूम है, पर कहीं ना कहीं वो सब मिलके जब करते हैं तो चीज़ें बन जाती हैं. तो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण की कहानी ये बन गई और हम सब बहुत खुश हैं इसके लिए. मलिका आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी शांत रह गए आप, लेकिन होली है. मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि फाइनली हमें इतना बड़ा मौका मिला ये किरदार निभाने का. तो वही मैं सोच रही थी कि अभी हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, कहाँ हम उस टाइम वर्कशॉप्स कर रहे थे, लुक टेस्ट कर रहे थे, सीढ़ियों से ऊपर नीचे भागते थे हारमोनियम पे सुबह सुबह. इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, आप सब इतना प्यार कर रहे हैं, सब इनकी वजह से. नहीं नहीं, तुम्हारे सबके अपना एफर्ट होता है, हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते. जो जिस तरह से कृष्ण और राधा आप लोगों ने प्ले किया है, आपने अपने व्यूअर को वो बिलीव करवाया कि आप राधा और कृष्ण हैं, जब तक आप वो खुद नहीं बिलीव करेंगे तो व्यूअर कैसे बिलीव करें. तो कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट है जो चीज़ों को लाइफ ले देती है. हम लिख सकते हैं, सोच सकते हैं पर हमें एक्टिंग तो आती नहीं, वरना हम कर रहे होते. तो ऐसा बोलो ही मत, ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है, यू आर सुपरस्टार बोथ ऑफ यू. एंड कृष्ण को कैसा लग रहा है अभी तक? सर सच बोलूं तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कृष्ण एक्चुअली कर पाऊंगा या कोई मुझे कृष्ण के लिए एक्चुअली सिलेक्ट भी कर पाएगा. तो पहली बार जब मुझे फ़ोन आया था कि कृष्ण के लिए, तो मैंने 3 बार उनसे वापस पूछा था कि आप मुझे कृष्ण के लिए सच में कैसे. तो वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ सर को कॉन्फिडेंस था. और आज का दिन मैं देखता हूँ तो थिंग्स हैव वर्कड आउट प्रिटी वेल, बट ये सारा पूरा टीम की वजह से ही जाता है. बिकॉज कृष्ण कैसे होने चाहिए, क्या नहीं, हाउ इट्स बीन प्लेस्ड, द स्टोरी इज़ रियली ब्यूटिफुल. एक्ट करते हुए जब हम ये करते हैं तो स्टोरी ऐसी लिखी जाती है कि हम एक्चुअली रोते हैं. मैं और मलिका कई बार एक्चुअली रोए हैं सीन्स में. इतने इमोशनल सीन्स हैं, इतने अच्छे सीन्स हैं, हैप्पी सीन्स होते हैं तो एक्चुअल में हम हैप्पी होते हैं. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, इट्स ब्यूटिफुल फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, चाहे म्यूजिक हो, स्टोरी हो, एवरीथिंग. लाइक आई माईसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ राधा कृष्ण आई एम फैन ऑफ एवरीबडी है. एंड ऐसे ही चलना चाहिए, लेट्स सी इतना हम विल बी कंसिस्टेंट. यस ओके, बात करें शो की, वैसे हकीकत में भी होली बहुत जल्दी आने वाला है, शो में भी होली का आगमन हो गया है, तो क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए? मुझे लगता है कि हर कहानी या हर चीज़ के पीछे कोई एक भाव होता है. तो होली के पीछे ऐसा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं और आपकी लाइफ कलरफुल होनी चाहिए. तो हम राधा कृष्ण के थ्रू से वही कहेंगे कि सिर्फ एक होली फेस्टिवल इसलिए नहीं होता कि आप एक दिन सेलिब्रेट कर लें. ज़िंदगी में कलर कैसा होना चाहिए, कि ज़िंदगी कलरफुल होनी चाहिए, ज़िंदगी आपकी मज़ेदार होनी चाहिए, वो हम राधा कृष्ण के थ्रू से कहेंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग हैपनिंग फ्रॉम राधा कृष्ण पॉइंट ऑफ व्यू. प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मल्लिका लठमार होली की शुरुआत करेंगी
और अपने सेट के ऑफ स्क्रीन सारे बदले भी लेंगे। इस बार लठमार होली जो कि जो मेन रचना हुई थी राधा कृष्ण के बीच में, हम वो पूरे दर्शाएंगे व्यूवर्स को, जहाँ पर पहली बार ये कहानी कैसे हुई, लठमार होली के पीछे क्या उसकी स्टोरी है और वो कैसे आएगा व्यूवर्स के सामने, वो आप देखेंगे ऑफ स्क्रीन। उसके 200 रीटेक होंगे और मल्लिका उसके बदले लेगी कृष्ण से, आज तक जिसने बहुत तंग किया है उसे। तो मैंने तंग किया है? मैंने कब तंग किया तुम्हें? पूरी यूनिट गवाह है। अरे यार, फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर एट राधा कृष्ण के सेट पे, आप सबके आने के लिए थैंक यू। सारे सारे दर्शकों को राधा कृष्ण और सारी स्वास्तिक फैमिली की तरफ से हैप्पी होली।